हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जो आई मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड इस टाइम बहुत ट्रेंड कर रहा है बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है अभी सो so, ये आई प्रैक्टिस बोर्ड आपको अगर लेना है तो आप मेरे एस एम एस कॉस्मेटिक पेज पर पे डी करके ऑर्डर कर सकते हैं बाकी इस पर आज मैं कलरफुल मेकअप करने वाला वालों बहुत ही ईजी स्टेप्स में अगर आप किसी को ऐसा मेकअप करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा लेकिन ऐसा मेकअप काफ़ी ईजी होता है किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम अपने मेकअप में ब्राउज फिल करते हैं उस तरीके से ब्राउज फिल यहाँ पे भी करना है ब्राउज़ को सेव करने के बाद में आप कंसीलर अप्लाई करते हैं लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो इतना स्मूथ है कि आप उस पर अच्छे से आई लगा सकते हैं अगर आपके आई अच्छे क्वालिटी के हैं तो विदाउट कंसीलर तो सबसे पहले मैंने डार्क ब्लू कलर लेके कर क्रीज लाइन को डिफाइन किया है बहुत स्मॉल पेंसिल ब्रश से उसके बाद मैं ले रहा हूँ पर्पल कलर का आई जिससे मैं पर्पल को फ्लश आउट करूँगा क्रीज़ के ऊपर अब अब क्रीज में उसको मैं ब्लेंड करता जाऊँगा आफ्टर दिस थोड़े से बड़े फ्लफी ब्रश से हम थोड़ा सा पिंक कलर का वेरिएशन लेंगे जो इन सारे कलर से लाइट रहेगा जो अब अब क्रीज़ में जाके कलर को बहुत ज़्यादा फ्लश आउट करेगा देखने में अच्छा लगेगा तो अभी क्रीज एकदम डार्क डिफाइंड हो गई है अब अब क्रीज़ में धीरे धीरे कलर बढ़ते बढ़ते हमारे लाइट हो गए हैं नॉर्मल जिस तरीके से मेकअप में करते हैं सारी चीज़ें वहीं सेम फॉलो करनी है कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें भी हो सकता है आप जब आई मेकअप सेल्फ करते हैं किसी और को करते हैं तो आप बहुत सी कुछ गलत टेक्निक से गलत चीज़ें करते होंगे तो उसमें आपको भी पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है सो so, अब अब प्लीज़ लाइट होने के बाद में अभी अगर आपको कहीं लग रहा है कि कलर पैची है डार्क हो गया या कम लग रहा है लाइट है तो आप उसको टचअप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको अच्छा लगता है और बाकी आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं शिवी मेकूवर्स के नाम से तो वहाँ पर आपको डेली नए कॉन्टेंट मिलते रहेंगे और अगर आपको और भी नई नई वीडियोस चाहिए इस तरीके के आई प्रैक्टिस बोर्ड पे ब्राइडल मेकअप कट क्रीज मेकअप स्मोकी आईज लाइफ फॉर फेस्टिवल लाइक दिवाली करवा चौथ इस तरीके से तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं हम जरूर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इन्हें आपको दिखाएंगे सिखाएंगे भी तो अब हम कट क्रीज करेंगे तो कट क्रीज के लिए ड्राइट कंसीलर भी अप्लीकेट कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर कॉटन बर्ड में ईयरबर्ड जो आपका रहता है उसमें थोड़ा सा मेकअप क्लेंजर लिया है यू कैन यूज़ लाइक जॉनसन बेबी ऑयल और मसलर वाटर एनी थिंग जिससे आपका मेकअप इजली रिमूव हो जाए यू कैन टेक वैसलिन ऑल्सो आप बैसलिन जो पेट्रोलियम चाली रहती है उसको भी ले सकते हैं उसकी हेल्प से मैं क्रीज को डिफ़ाइन करूँगा एकदम शार्प आईलेट पर एकदम ब्लैंक स्पेस निकालूंगा जिससे जो भी मैं इसके ऊपर कलर दूँगा वो अलग से पॉप आउट होंगे और विजिबल होंगे दिखाई देंगे अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगर आपको मेरे से मेकअप सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं इवन मुझे डीएम कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है ओके okay, सो so अभी मैं, मैं, मैं मैट कलर ही यूज़ कर रहा हूँ यू कैन यूज़ लाइक शिमर ग्लिटर वॉटवर जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो तो लाइट स्काई ब्लू टाइप का कलर मैंने आगे इनर कॉर्नर से फिल किया है उसके बाद थोड़ा सा मीडियम ब्लू कलर लिया है मतलब कलर को यहाँ पे भी हम शेडिंग देंगे इस शेडिंग को बोलते हैं एनालॉगस अगर आपको कलर थ्योरी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको मेकअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो अगर आप मेरे से कलर थ्योरी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करें तो मैं आपको डिटेल में कलर थ्योरी के बारे में भी बताऊँगा नाउ सेकेंड अभी हम मीडियम कलर ले रहे हैं ब्लू अभी जो हम इस तरीके के कलर एप्लीकेट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर के डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करना लास्ट में जाके अभी यहाँ पे हम डार्क ब्लू कलर ले रहे हैं बिल्कुल नेवी ब्लू कलर जो कलर पीछे से डार्क और आगे की तरफ लाइट होता हुआ दिखाई देगा ब्लू कलर हमने जहाँ तक कटकी से ड्रॉ किया वहाँ तक रखेंगे ज़्यादा पीछे नहीं निकालेंगे एक्स्ट्रा सही कैसे करना है आपको कलर को ब्लेंड कर देना है आगे लाइट मीडियम देन डार्क जब आपके कलर फिल हो जाएँ तो आप इस पे शिमर भी अप्लीकेट कर सकते हैं आप इस स्पेगलेटर भी लगा सकते हैं तो अभी मैं कलर को इवन कर रहा हूँ कहीं कम या कहीं ज़्यादा लग रहा है तो उसके हिसाब से बराबर कर लेंगे हम आगे की तरफ थोड़ा सा और स्काई ब्लू कलर हम दे रहे हैं यहाँ पे। ओके okay, सो so ये प्रैक्टिस बोर्ड काफ़ी हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए जिनको आई मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता है ये आपके पास मॉडल्स नहीं हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप इसको ऑर्डर कर करके ले सकते हैं और काम कर सकते हैं सो so यहाँ पे मैं अभी लाइनर लगा रहा हूँ तो मैं जेल लाइनर से ट्राई कर रहा हूँ तो लेकिन जेल लाइनर से अभी लाइनर नहीं लगा है तो मैंने क्या किया पहले ग्लिटर एप्लीकेट किया उसके बाद में मैं लाइनर करूँगा तो यहाँ पर मैंने होलोग्राफिक ग्लिटर लगाया है एंड दिस ग्लिटर फ्रॉम एस एम एस कॉस्मेटिक्स आप इंस्टा पर चेक कर सकते हैं शिवी मेकओवर के पेज पर आपको ये पेज मिल जाएगा ये मैसेज करके पूछ सकते हैं तो ये ग्लिटर उसमें जो मिल्की रैम ये होलोग्राफिक ग्लिटर है एंड इट्स लुक्स वेरी नाइस बहुत प्यारा ग्लिटर है ये तो अभी हम लाइनर करेंगे लिक्विड लाइनर से एक परफेक्ट शेप आप ड्रॉ कर देंगे लाइनर का लैनर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इवन यू कैन अप्लाई लाइसेंस ऑल्सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़